हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वटिंग नाइफ़ फ्रेंड्स देखिए आज हम ये बहुत ही आसान तरीके से जो है ये वाली लेस या फ्रिल बनाना सीखेंगे और बाद में हम इसी से जो है छः से बारह महीने की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाएंगे तो देखिए इस पैटर्न के लिए जो ये बीच का पैटर्न है इसके लिए जो हमने स्टिचेज लेने हैं जो फंदे लेने हैं वो एटीन के मल्टीपल में लेने हैं अठारह अठारह के मल्टीपल फंदे लेंगे और यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर के हम एक्स्ट्रा फंदे लेंगे मैंने यहाँ पे चौदह फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं साथ, साथ दोनों तरफ के लिए फोर्टीन स्टिचेस हमने दोनों तरफ के बॉर्डर्स के लिए लिए हैं यानी बटन बैंड के लिए लिए हैं और एटीन के मल्टीपल में हम ये जो बीच वाली हमारा पैटर्न है इसके लिए लेंगे तो अभी हम विद बॉर्डर ही या विद बटन बैंड ही बनाना सीखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे अट्ठारह अठारह का मल्टीपल दो बार लिया है यानी थर्टी सिक्स स्टिचेस छत्तीस फंदे लिए हैं प्लस सात सात दोनों तरफ के चौदह फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं तो टोटल फिफ्टी स्टिचेस पचास फंदे हमने टोटल लिए हैं थर्टी सिक्स प्लस सेवन प्लस सेवन तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान बुनाई डिज़ाइन है रो वन राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से देखिए पहले बटन बैंड का हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे छह फंदे हम उल्टे बुनेंगे फॉर सिक्स फॉर बटन बैंड थ्री फोर फाइव सिक्स अब बीच के जो हमने पैटर्न के लिए जितने फंदे लिए होंगे जैसे मैंने यहाँ पे थर्टी सिक्स लिए हैं तो हम उन फंदों को सीधा बुनेंगे तो ये हम लास्ट के सात फंदों तक ये पूरी रो सीधी बुन लेंगे विथ ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट सेवन ऑफ बटन बैंड तो ये हम रो अब लास्ट के सात फंदों तक पहले यहाँ तक सीधी बुन लेते हैं ये देखिए इस रो को हमने लास्ट के सात फंदों तक बुना अब इन में से हम छह फंदे उल्टे बुनेंगे पर लास्ट सिक्स स्टिचेस और लास्ट फंदा जो हमारा एच स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे क्योंकि ये राइट साइड है सीधी तरफ है तो हम लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे छह फंदे ये उल्टे और एक फंदा सीधा बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है रो टू रॉन्ग साइड दूसरी तरफ से हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे हर रॉन्ग साइड को हमने उल्टा ही बुनना है पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो टू एंड ऑल द रॉन्ग साइड रॉस तो हमने उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनते जाना है तो इस तरफ से हमें कोई टेंशन नहीं है हम इन फंदों को उल्टे बुनते जाएंगे पर्ल ऑल तो ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए बहुत ही आसान देखिए सीधी और उल्टी ही सिलाईया हैं अब रो थ्री को ध्यान से देखिएगा तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिएगा पहला फंदा स्लिप किया छह फंदे तो ये उल्टे आएंगे ही बटन बैंड के पर्ल सिक्स। अब देखिए हमने क्या करना है तीन बार हम दो फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे तो ऐसे हमने तीन फंदे डिक्रीज कर लेने हैं इस तरह से पर टू टुगेदर थ्री टाइम्स वन टू एंड थ्री तीन बार हमने दो फंदे उल्टे एक साथ बुने अब यहाँ पे जाली बनाएंगे जो हमने फंदे डिक्रीज किए हैं तो अब हम छह फंदे इस तरह से बुनेंगे धागा आगे एक धागा आगे दो धागा आगे तीन धागा आगे चार धागा आगे पांच धागा आगे चे. तो हमने डिक्रीज तो तीन किए और जालियाँ हमने छह बनाई तो अब हम फिर से तीन बार जो है दो फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे पर टू टुगेदर थ्री टाइम्स अगेन तो ये हमने जो अठारह फंदे बुने अब यहाँ से लेके तीन बार हमने ये उल्टे बुने फिर छह जालियाँ बनाई एक एक फंदा सीधा बुनते हुए फिर तीन उल्टे बुने और यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कीप रिपीटिंग दीज एटीन स्टिचेस तो फिर से हम पहले तीन फंदे इस तरह से दो उल्टे एक साथ करके बुनेंगे तीन बार अब छह बार हम जाली बनाएंगे ओवर नेक वन सिक्स टाइम्स ओवर टू या ओवर थ्री या ओवर फोर या ओवर फाइव ओवर सिक्स छः बार हमने इस तरह से जारी बना ली अब फिर यहाँ पे हम तीन फंदे उल्टे एक साथ बुनेंगे और यही बार बार रिपीट करते जाएंगे तो यानी कि हमारे जो है छः बार आएंगे अभी बीच में दो फंदे उल्टे एक साथ ऐसे तो ये हम पूरी रो में ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे अठारह फंदे लास्ट में हमारे फिर से सात फंदे बचेंगे जिनमें से हम छः फंदे उल्टे और एक सीधा बुन लेंगे पर लास्ट सिक्स स्टिचेस एंड निक वन तो ये हमने थर्ड रो इस तरह से कंप्लीट कर ली अब फोर्थ रो चौथी सिलाई उल्टी तरफ से है तो इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे पर्ल ऑल तो ये हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं पर्ल ऑल ये देखिए हमने फोर्थ रो चौथी सिलाई जो है वो सारी उल्टी बुन ली और यही चार सिलाइयाँ ही अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स बहुत आसान है सिर्फ एक सिलाई में हमने जो है पैटर्न बनाया पहली सिलाई सीधी बुनी दूसरी उल्टी तीसरी में पैटर्न आया चौथी फिर से हमने उल्टी बुनी और यही चार सिलाइयां हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कीप रिपीटिंग दीज फोर तो फिर से हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी जैसे हमने बॉर्डर बनाया उसके बाद सारी सिलाई हमने सीधी बुन ली ऐसे तो हम फिफ्थ रो और फिर से रो वन की तरह ही बुनेंगे पांचवी सिलाई हम फिर से रो पहली सिलाई जो थी उसकी तरह ही बुनेंगे तो ये चार सिलाइयों को जब बार बार हम रिपीट करते जाएंगे तभी हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा और ये बहुत ही प्यारा सा लगता है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तब तो भी इसे बड़े आराम से बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये फ़्रॉक बनानी है मेरे साथ तो देखिए यहाँ पे मैंने ये दस नंबर सिलाई ली है टेन नंबर नीडल्स और ये जो है फो एक्रेलिक वूल ली है मैंने यहाँ पे और इस फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे 176, 176 फंदे लिए हैं ये हमारी डबल बनेगी इस तरह से यानि कि हमें साइड से सिलना नहीं पड़ेगा फ्रंट और बैक हम एक साथ ही बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने 176 फंदे लिए हैं अगर आपको और ज़्यादा इसका घेरा बनाना है तो आप 18, 18 के मल्टीपल और फंदे ऐड करते जाएंगे और फिर हम ये नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम इसे ऊपर से कैसे हमने बनाना है वो जो है पैटर्न हम बनाएंगे तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए और भी नए नए वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग